उनको स्पष्ट कह दो कि पढ़ने के लिए गाय माता की आवश्यकता पड़ेगी. द स्पेशल रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन. बिना गाय माता के कोई भी विद्यार्थी ठीक से नहीं पढ़ सकता. पढ़ाई तो होगी लेकिन वही तोते की तरह रट रट करके जिंदगी बितानी पड़ेगी. इस सभा में भी कई ऐसे माँ बाप बैठे हैं जो अपने बच्चे को 22-22 घंटे तक पढ़ाते हैं. इतना दबाव कि बड़े बड़े कोचिंग जो एजुकेशन हब वाले शहर है वहां से तो हर 2-3 दिन में एक सुसाइड की न्यूज आती है. बहुत अधिक देर तक पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाएगा. पढ़ाई के लिए मूल रूप से मेरे भाई बहनों 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है. मास्टर जी कितने ही बढ़िया है, कोच कितना ही बढ़िया है, सिलेबस कितना ही बढ़िया है, विद्यालय कितना ही बढ़िया है, लेकिन अगर आपके बच्चे की बुद्धि कमजोर है तो आपका बच्चा पढ़ सकता नहीं. और बुद्धि बढ़ाने का कोई टॉनिक तो विद्यालय में दिया नहीं जाता. दूसरा, आपके बच्चे में आलस्य नहीं होना चाहिए. आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम. आलसी बच्चा भी पढ़ाई नहीं कर सकता. अभी आलस्य कहां से आता है और बुद्धि कहां से आती है? इन दोनों के उद्गम स्थान को खोजना पड़ेगा. क्योंकि जहां से आलस्य आता है वहां का दरवाजा बंद करो, जहां से बुद्धि आती है वहां के दरवाजे को खोलो. सीधा सरल मामला है. पता लगाओ ये आलस्य कहां से आता है और बुद्धि कहां से आती है. तो इसके लिए सबसे सरल तरीका गीता जी में बताया है. अगर आप गीता जी के 16वें और 17वें अध्याय को दोनों को आनंद से पढ़ो तो सार निकलता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा तन और मन. तन का संबंध आलस्य से है और मन का संबंध बुद्धि से है. और देश की तरीके से समझा देता हूं. जयपुर में तो दाल बाटी बहुत फेमस है, बोलो है कि नहीं? 2-5 दिन में बनी जाती है, नहीं तो शनिवार को तो बनती है उड़द की दाल और बाटी. बनती है कि नहीं बनती है भाई? आप मने बताओ कि दाल रोटी खा के आदमी जितनी मेहनत कर सकता है उतनी मेहनत दाल बाटी खावे उस दिन भी हो सकती है क्या? बोलो, हाथ बता के करो इशारा. नहीं हो सकती, ऐसे हाथ आया है. सीधी सी बात है भाई कि जिस दिन हम लोग दाल बाटी खाते हैं उस दिन हमको नींद ज्यादा आती है. पानी पियो और सो जाओ. रोटी भी आटे से बनी, बाटी भी आटे से बनी. रोटी को भी अग्नि में सेका, बाटी को भी अग्नि में सेका. रोटी का आटा भी पानी में लगाया, बाटी का आटा भी पानी में लगाया. विशेष अंतर कुछ भी नहीं है. अंतर सिर्फ इतना है कि रोटी चपटी है और बाटी गोल है. वो गोल बाटी खाते कि हम खुद ही गोल हो जाते हैं. केवल भोजन का आकार बदला सज्जनों और उसका प्रभाव बदल जाता है. तो जब भोजन ही बदलेगा तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? होगी. हिंदुस्तान में गौ माताएं तो हो गई कम और भैंसे हो गई ज्यादा. जयपुर में 90% दूध भैंस का ही आ रहा है. तो बच्चों को दूध किसका पिला रहे हैं? भैंस का. अब भैंस का दूध पिएगा बच्चा तो बोलो बुद्धि और शरीर दोनों पर भैंस का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा. अब आप देखो भैंस कितनी आलसी होती है, खा पी के चारों पैर लंबे करके बैठी रहती है. बेटी बेटी लघु शंका मूत्र त्याग पेशाब यूरिन कर देती है, उसी में पूंछ घुमा के नाना धोना वाशिंग बाथिंग उसका सब कुछ हो जाता है. आपने कभी गैया मैया को बैठे बैठे पेशाब करते देखा? नहीं देखा. तो आप ही सोचिए, जिस भैंस को पेशाब करने के लिए ही अगर उठने में आलस्य आता हो तो ऐसी एक नंबर की आलसी भैंसों का दूध जब हमारे बच्चे पिएंगे तो उनको पढ़ने में आलस्य आएगा कि नहीं आएगा? आना ही आना. भैंस का बच्चा अपनी मैया का दूध पीने के 10 मिनट पश्चात ही एक कोने में बैठ के नींद निकालना शुरू कर देता है. और गाय माता के बच्चे को देखना अपनी मैया का दूध पीने के बाद पूंछ उठा के पूरे आंगन में उछलता है, कूदता है, दौड़ता है. बोलो दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? तो ऊर्जा किस में ज्यादा हुई?
गाय माता जी के दूध में। आपके घर में अगर दो बच्चे हो, एक प्रयोग करके देखना, एक बच्चे को लगातार 6 महीने तक गैया मैया का दूध पिलाओ, एक बच्चे को 6 महीने तक भैंस का दूध पिलाओ, गौ माता का दूध पीने वाला बच्चा 6 महीने बाद 5 बजे अपने आप उठने लग जाएगा और भैंस का दूध पीने वाला 7 बजे तक बिस्तर में करवटे बदलता नजर आएगा। अगर आप में से किसी के घर पे भैंस है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर जाके लठ दे दे के भैंस को खत्म कर दो। पशु है और पशु पालक हो, आपने रख छोड़ी है तो ठीक है, हम तो हिंदू है भाई, चींटी को भी आटा डालते तो भैंस मारने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन अपने बच्चे के लिए दूध गाय माता का बहुत आवश्यक है आलस्य मिटाने के लिए। पुराने जमाने में कुछ लोग भैंस रखते थे लेकिन बड़े समझदार होते थे, घर में गाय माता भी रखते थे, भैंस का दूध बेच के पैसे कमाते और घर में घी दूध गाय माता का इस्तेमाल करते, बड़ी ऊर्जा रहती थी। और पहले तो वैसे ही भारत में असंख्य गौ माताएं थी, जब तक गौ माताएं थी दूध गौ का पीते, प्रातः उठ करके माताएं चाकी घुमाना शुरू कर देती, पुरुष लोग काम पर लग जाते, दिन भर काम करते, आलस्य बिल्कुल नहीं था। आजकल कई लोगों को देखते हैं 8 बजे तो उठते, 2 कटोरी चाय मिलती, उसके बाद बिस्तर छूटता है, 2 घंटे काम किया नहीं किया और हालत ऐसी हो जाती जैसे कोई एवरेस्ट की चोटी फतेह करके आए हो। और विज्ञान भी कहता है सज्जनों कि भैंस के दूध में बैट फैट और कोलेस्ट्रॉल ये 2 तत्व ज्यादा होते हैं, उससे शरीर में जड़ तत्व बढ़ जाता है, उससे आलस्य बढ़ता है। अगर आलस्य से मुक्त करना चाहो आप अपने बच्चे को, तो आपको दूध को माता जी का ही पिलाना पड़ेगा। और फिर बात करें बुद्धि की, तो एक सरल सा मुहावरा है हिंदी में, अक्कल बड़ी या भैंस। भैंस में बिल्कुल भी अक्कल नहीं होती है। एक भैंस को अगर आप सुबह सुबह अपने घर से निकाल दो, अगर किसी के घर में भैंस है, आपके आसपास में है, आप उस भैंस को घर से निकलवा दो कि भैंस आज आज घूम फिर करके खा करके शाम को वापस आ जाएगी। याद रखना, अकेली भैंस को अगर कोई घर से निकाल दे, वो भैंस कभी भी लौट करके नहीं आती। लेकिन गाय माता को जयपुर में या जयपुर के इर्द गिर्द कई लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठे, दूध निकाला, गैया को छोड़ दिया सड़क पे, दिन भर वो पन्नी खाएगी, कचरा खाएगी, आपके द्वारा फेंका हुआ कचरा खाएगी, आपके द्वारा फेंके हुए सब्जी के डंटल खाएगी, दिन भर इधर उधर दुकानदारों के वहाँ जाएगी, वो डंडा मारेंगे, सब्जी वाले के ठेले वाला डंडा मारेगा, ऐसी दिन भर वो डंडा खाएगी, मार खाएगी। लेकिन सांझ होते होते दूध देने के टाइम पर वापस वो लौट करके घर पर आ जाती है। बोलो, देखा है कि नहीं देखा आपने? तो याद रहता है कि नहीं रहता है? अगर अपने यहाँ पर आसपास में कोई भैंस पालक हो और 10-20 भैंसे बंधी हुई हो, संध्या को आप जब दूध निकालते उस समय जाओ और जाकर के चुपचाप खड़े हो जाओ, करो कुछ मई, बस सिर्फ देखो खड़े खड़े। जैसे ही भैंस का मालिक भैंस के बच्चे को खोलेगा दूध पीने के लिए, वो भैंस का बच्चा 10 में से 3 भैंसों की लात खाता है, तब 4थी बार में अपनी माँ को पहचान पाता है। सोचो, जिस भैंस का दूध सुबह पिया, शाम तक उसको उसकी मम्मी याद नहीं, तो ऐसी भैंस का दूध पीने वाले बच्चे को पढ़ाई कैसे याद रहेगी। और भी सरल कर देते हैं, आप अधिकांश सब शहर के लोग बैठे हैं, हालांकि कई सारे गांवों से आए हुए सज्जन भी है, लेकिन अधिकांश संख्या शहरी सज्जनों की है। आपके पास गाय माता भी नहीं है और आपके पास भैंस भी नहीं है, लेकिन एक सरल तरीका बताता हूं मैं आपको। कल सुबह आप अपने घर के बाहर एक रोटी लेके खड़े हो जाओ, कोई भी अनजान घूमती हुई गौ माता जी अगर आपको दिख जाए, आप वो रोटी गाय माता जी को जिमा दो और घड़ी में समय देख लो, गौ माता घड़ी नहीं पहनती फिर